ट्रस्ट के 159 फाउंडेशन डे पर म्यूजिकल इवनिंग का आयोजन किया गया। फाउंडेशन डे पर रविंद्रालय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डोना गांगुली ने अपने अद्भुत नृत्य से सभी का मन मोह लिया। जब भी हम लोग मंदिर के लिए प्रोग्राम करते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो डांस है वो सब जगन्नाथ जी के ऊपर है और सब बेसिकली जितना भी अभिनय पोषण है सब हमारे देव देवियों के ऊपर ही है। तो इसलिए जब भी कोई मंदिर से बुलाते हैं हम नया नहीं कर सकते, और ये तो स्पेशली अभिजीत दा भी था, तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। और ये उम्मीद करते हैं कि सब हमारे प्रोग्राम को अच्छा लगेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इससे ज़्यादा अच्छा मौका कैसे हो सकता है कि जो हमारे देश के सबसे सुप्रतिष्ठित कलाकार हैं, अदाकारा हैं डोना गांगुली जी, उन्होंने, मैं पिछले बार कलकत्ता गया था सौरभ गांगुली जी के घर पर, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि माँ काली का प्रतिष्ठा दिवस है, तो बोले कि मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं माँ काली का ही कॉन्सेप्ट है, मैं तो आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगी। अब बिल्कुल तैयार हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और उसको अगर आज़ादी के अपने कॉन्सेप्ट से लिंक करके, जो ओडिसी का कॉन्सेप्ट है, इनग्रेंड है इन आवर इंडियन कल्चर, उसको लेते हुए हम लोगों ने उनको बोला, जैसा कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो भी परफॉर्म होगा माँ काली बेस्ड परफॉर्मेंस ज़रूर होगा, तो वो माँ काली के बेस पे भी है, माँ दुर्गा के बेस पे भी परफॉर्म कर रही है, उसके बाद हम लोग के गायक कलाकार राघव जी परफॉर्म कर रहे हैं।